हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर कुछ खास जो अपडेट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो के साथ आप बने रहें। ये वीडियो केवल जो स्कूल संचालक हैं, चाहे वो प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट है, उनके लिए खास है। स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये देखकर अपना समय वो खराब नहीं करें, लेकिन जो स्कूल संचालक हैं या फिर स्कूल में जो भी साथी वर्क कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर मैं खास बातें हैं वो आपके साथ है, वो शेयर करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट जो अपडेट है आपके लिए वो है इंस्पायर स्कॉलरशिप या इंस्पायर स्कीम के लिए, जो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 के लिए है। फ्रेंड्स, यहाँ एक नया अपडेट आया है इंस्पायर की ओर से, इंस्पायर अवार्ड की तरफ से। और अपडेट ये है कि अब आपके जो डाइस कोड है उनको वेरीफाई आपको करवाना पड़ेगा। हालांकि इससे पहले आपने कक्षा 6 से लेकर 10 तक के बच्चों के इंस्पायर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन आपने कर दिया था, लेकिन अब नए अपडेट के अनुसार आपके जो डाइस कोड है उनको वेरीफाई आपको करवाना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने इंस्पायर अवार्ड की आईडी में लॉगिन होना है। और जैसे ही आप लॉगिन होंगे तो सबसे पहले आपको वहां डाइस कोड के बारे में पूछा जाएगा और वेरीफाई के लिए आपको कहा जाएगा। जैसे ही आप उसे वेरीफाई या फिर सबमिट कर दोगे तो ये जो रिक्वेस्ट है अपने डीओ के पास, जहां अपना इंस्पायर स्कीम का जो नोडल है उनकी आईडी पे चली जाएगी, वहां से ये वेरीफाई हो जाएगा। अगर वैसे अपन सर्च करेंगे तो वहां पर वो दिखाई नहीं देगा। ये मतलब ये है कि आपके डाइस कोड को वेरीफाई किया जा रहा है कि आपकी स्कूल जिंदा है या फिर मर गई है। तो अभी तक अगर आपने अपने डाइस कोड को एक बार पुनः वेरीफाई नहीं किया तो आप अपने इंस्पायर स्कीम के अंदर लॉगिन हो करके अपने डाइस कोड को है वो वेरीफाई कर ले। वरना जितने भी आप बच्चों का नॉमिनेशन किया है, अब उनके जो अवार्ड आगे उनको मिलने वाले हैं वो नहीं मिल पाएंगे। ये कर ले, बीकानेर निदेशालय अपने राजस्थान का ये सख्त आदेश है, तो आप ये कर ले, इसमें ही आपकी भलाई है। चलिए फ्रेंड्स, अगले अपडेट की बात करता हूं। और अगला जो अपडेट है वो एनएसपी पोर्टल यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से है। अगर आपने अभी तक अपने एनएसपी पोर्टल पर जो अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम वर्ग के समुदाय के स्कॉलरशिप के बच्चों के आवेदन वेरीफाई नहीं किए तो वो जल्द से जल्द आप वेरीफाई कर दे अपनी आईडी को लॉगिन करके, वरना इस पर आपको समस्या आ सकती है। बीकानेर निदेशालय के द्वारा आदेश जारी कर दिया है और हर एक प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य जिला शिक्षा अधिकारी को पाबंद इस बारे में कर दिया और आदेश भी है वो जारी कर दिया। आदेश है, मैं जिन अपडेट की बात करूं वो सारे अपडेट के आदेश है आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे और वेबसाइट का नाम है www.rajguruji.com पर आपको ये सारे आदेश मिल जाएंगे, तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक एनएसपी पोर्टल पर उत्तर मैट्रिक या फिर पोस्ट मैट्रिक के जितने भी स्टूडेंट की स्कॉलरशिप के फॉर्म आपने वेरीफाई नहीं किए तो वो जल्द से जल्द आप वेरीफाई आप कर दें, वरना आप पर समस्या है वो आ सकती है विभाग की ओर। यहां एक बात और ध्यान रखें, अगर किसी स्टूडेंट के फॉर्म अप्लाई कर दिया ऑनलाइन, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद वो फॉर्म आपकी आईडी पे आ गया और उसके डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं पहुंचे तो उस फॉर्म को आप रिजेक्ट कीजिएगा। आप किसी भी फॉर्म को तभी वेरीफाई कीजिएगा जब आप पूरी तरह से खुद वेरीफाई हो जाए कि इस बच्चे के जितने भी डॉक्यूमेंट है जिस योजना के लिए अप्लाई किया गया है वो सारे सही हैं, तो ही आप उसे वेरीफाई कीजिएगा, वरना उसे आप रिजेक्ट या फिर डिफेक्ट है वो कर सकते हो। और यहां एक और समस्या आ रही है, एनएसपी पोर्टल सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने एक आदेश वो जारी किया है कि अभी तक तकरीबन ऐसे 50% अपने पूरे इंडिया के अंदर ऐसे स्कूल्स हैं जहां 2.0 वाले एनएसपी पोर्टल का पुनः रजिस्ट्रेशन नहीं किया। हालांकि ऐसे विद्यालयों ने पहले इस एनएसपी पोर्टल के ऊपर काफी समय पहले रजिस्ट्रेशन है वो कर दिया था, लेकिन अब की बार क्या होगा कि इस साल सत्र 2019-20 के लिए नया रजिस्ट्रेशन करना था, पुरानी वाली आईडी से ही करना था, लेकिन अभी तक उन्होंने पुनः नया रजिस्ट्रेशन नहीं किया। जबकि उस स्कूल के बच्चों ने उस पोर्टल पर या उस स्कूल के आईडी के ऊपर है वो फॉर्म है सबमिट कर दिया, वो सबमिट हो रहा है, शो कर रहा है विभाग को, एनएसपी विभाग को वो शो कर रहा है, लेकिन अपनी आईडी ओपन नहीं हो रही। कारण ये है क्योंकि हमने 2.0 वाले वर्जन की आईडी के लिए पुनः वेरीफाई नहीं किया, सबमिट नहीं किया, एप्लीकेशन सबमिट नहीं किया। तो ऐसे विद्यालय हैं जिन्होंने अभी तक एनएसपी पोर्टल को छेड़ा ही नहीं है, और जो साथी हैं उन्होंने अगर देख लिया है और उन्होंने कर दिया है तो उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, जो अपने आसपास के जितने भी साथी हैं जिनको इस बारे में नहीं पता है, कि अगर उन्होंने पुनः एक बार एनएसपी पोर्टल पर नया रजिस्ट्रेशन नहीं किया इस साल 2019-20 के लिए तो वो आप जरूर कर ले। जैसे ही आप वेबसाइट पे जाओगे, इसके लिए मैंने एक नया वीडियो है वो बना भी रखा है अपने चैनल पे, आप देख भी सकते हो उस बारे में कि कैसे पुनः रजिस्ट्रेशन किया जाता है।
तो आप अपनी आईडी में लॉगिन हो करके होने के बाद वहां पर आपकी स्कूल का पूरा डाटा पूछा जाएगा, जिसमें आपके प्रिंसिपल का नाम, आपकी मान्यता के क्रमांक वगैरह वगैरह पूछे जाएंगे। वो सबमिट करके एक हार्ड कॉपी आएगी, उस पर अपने विद्यालय की सील और सिग्नेचर अपने प्रिंसिपल के ले जाकर के अपना जो डीओ फीस है वहां आप जमा करो, ताकि जो फॉर्म है आपके पोर्टल पर शो हो जाए। वरना साथियों आपको दिक्कत आ सकती है, बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि निदेशालय ने, अपने बीकानेर निदेशालय ने ये सख्त आदेश दे दिया है, अगर बच्चों की छात्रवृत्ति विद्यालय की तरफ से रुकी तो उस पर कठोर कार्रवाई है वो की जाएगी। ध्यान रहे, अगर अभी तक पुनः रजिस्ट्रेशन नहीं किया और बच्चों के जो फॉर्म है आपने वेरीफाई नहीं किए तो आप जरूर कर ले। चलिए फ्रेंड्स, अगले अपडेट की मैं बात करता हूं, और अगला जो अपडेट है वो आरटी 2019-20 के भौतिक सत्यापन से है। जिन विद्यालयों का आरटी 2019-20 का भौतिक सत्यापन होने से रह गया, उनको सरकार ने एक बार से फिर से मौका दिया है। 10 दिसंबर को आपके विद्यालय में विजिट करेगी टीम, उसके बाद 12 दिसंबर को आपको भौतिक सत्यापन की जो रिपोर्ट है वो ऑनलाइन करनी है, उसके बाद 18 दिसंबर को डीओ आपकी रिपोर्ट को वेरीफाई करके लॉक कर देगा। यदि ऐसे विद्यालय आज भी बचे हैं जिन्होंने अभी तक आरटी 2019-20 का भौतिक सत्यापन नहीं करवाया है, किसी कारण से वो बच गए, तो आप वो भौतिक सत्यापन आप करवा ले। इसके लिए आप अपने डीओ से संपर्क कर सकते हैं कि आपका पैनल है वो कब आने वाला है, क्योंकि वैसे डीओ वाले हैं वो सोए रहते हैं, वो अपने ज्यादा प्राइवेट स्कूलों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो वहां संपर्क कीजिए कि सर मेरा जो भौतिक सत्यापन वो रह गया, मेरे स्कूल के अंदर या मेरे विद्यालय के अंदर आप भौतिक जो पैनल है वो आप भेजिए, पैनल आएगा आपकी जांच करेगा और जांच करने के बाद वो एक रिपोर्ट आपको दे दिया जाएगा और एक रिपोर्ट वो खुद ले जाएगा। लेकिन 12 दिसंबर को आपको ऑनलाइन उसी रिपोर्ट को ऑनलाइन अपने पीएसपी या फिर आरटी पोर्टल पर सबमिट करनी। ध्यान रहे जो साथी बच गए हैं उनके लिए एक बार फिर से। चलिए फ्रेंड्स, अगले अपडेट की बात करता हूं, और अगला जो अपडेट है वो कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक की कक्षाओं के या विद्यालयों के लिए है। इस बार जो समाज उपयोगी योजनाएं का जो विषय उसका पेपर है या परीक्षा नहीं होने वाले, क्योंकि अभी 10 दिसंबर से लगभग सभी जिलों के अंदर अपने राजस्थान में अद्वार्षिक परीक्षाएं हैं वो शुरू होने वाले हैं और सबका टाइम टेबल भी शायद आ गया होगा। बीकानेर निदेशालय के द्वारा एक आदेश जारी किया गया, और उस आदेश में बिल्कुल साफ साफ ये कहा गया है कि समाजोपयोगी योजनाएं का जो विषय है कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक की विद्यार्थियों का इस विषय का पेपर अब की बार नहीं देना पड़ेगा। अब तक क्या होता था साथियों, अद्वार्षिक और वार्षिक परीक्षा के अंदर इस विषय का जो पेपर है वो हुआ करता था, लेकिन इस बार वो हटा दिया गया है। लगभग सभी जिला शिक्षा अधिकारी या जिला समान परीक्षा योजना के तहत समय सारणी टाइम टेबल वो जारी कर दिया। हो सकता है कि आपके जिले के टाइम टेबल में भी समाजोपयोगी योजना का विषय है वो आ रहा होगा। अगर ऐसा आ रहा है तो आप अपने जिला समान परीक्षा केंद्र पर इस बारे में बताइए, संपर्क कीजिएगा। इसके लिए बीकानेर निदेशालय ने आदेश है वो जारी कर दिए। आदेश आप मेरी वेबसाइट के ऊपर जाकर के देख सकते हो, वेबसाइट का नाम है www.rajguruji.com, आपको पता ही है, वहां से जाकर ये आदेश देख सकते हो। इससे आप वेरीफाई भी हो सकते हो कि ये सूचना कहीं गलत तो नहीं है, लेकिन इस बार वो हट गया। चलिए फ्रेंड्स, अगले अपडेट की बात करता हूं, और अगली जो अपडेट है वो कॉलेज शिक्षा से है। कॉलेज शिक्षा के जो स्टूडेंट है उनके लिए है, वो छात्रवृत्ति के लिए 31 दिसंबर तक अप्लाई है वो कर सकते हैं, और छात्रवृत्ति के लिए ht.rajasthan.gov.in पर वेबसाइट पर विजिट कीजिएगा। वहां पर आप उस शिक्षा की जो स्कॉलरशिप है उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप नहीं तो अपने साथियों को इस बात को बताइएगा, उनके साथ ये वीडियो वो शेयर कीजिएगा। चलिए अगले अपडेट की बात करता हूं, और अगला जो अपडेट है साथियों, अपनी राजस्थान सरकार ने भामाशाह कार्ड योजना को बंद कर दिया है, इसके स्थान पर जन आधार योजना वो शुरू की है। अब पता नहीं क्या है इसके बारे में, फ्रेंड्स मैंने मेरे दूसरा जो चैनल है ज्ञान कामना उसके बारे में मैंने विस्तार से बताया है, वहां जाकर के आप इस जन आधार योजना के बारे में जान सकते हो। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ कि सरकार ने भामाशाह योजना बंद क्यों की है और इसके स्थान पर जन आधार योजना क्यों शुरू की है, इसका वीडियो है मैंने मेरे दूसरे चैनल पर डाल रखा है, वो आप देख सकते हैं, चैनल का नाम है ज्ञान कामना, उस पर मैंने पूरी जानकारी है वो बताई है। अब ऐसा क्यों होता है, एक सरकार आई योजना शुरू कर दी, दूसरी सरकार आई उसने पहले वाली बंद कर दी और एक नई योजना शुरू कर दी, ऐसा क्यों करती है सरकार, मुझे तो नहीं पता। अगर आपको पता तो कमेंट में जरूर बताना, और ये भी मुझे बताना कि इस तरह से जो पुरानी योजनाएं हैं, देखो पहले जो राजीव गांधी केंद्र हुआ करते थे उसका नाम वो अटल केंद्र वो कर दिए थे, फिर अटल से कुछ और कर रहे हैं ऐसा सुनने में ऐसा आ रहा है, तो इस तरह से क्या सरकार के द्वारा समय समय पर नाम परिवर्तन करना अच्छी बात है, अगर है या नहीं कमेंट में आपकी विचार मुझे जरूर देना। और फ्रेंड्स वीडियो आप देखते हो लेकिन अपने कमेंट करते नहीं हो, कमेंट किया करो आप, तो मुझे भी इस चीज के बारे में पता चले कि आप वीडियो में कितनी रुचि ले रहे हो। अगर कमेंट आप नहीं करते हो तो मुझे पता ही नहीं चलता आप सुन रहे हो देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, मुझे इस बारे में
पता नहीं चलता। तो फ्रेंड्स ये तो थी आज के कुछ नए अपडेट, शायद आपको पसंद आए होंगे और जानकारी शायद आपको समझ में भी आई होगी। अगर जानकारी आपको समझ में आई है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अपने सभी स्कूल साथियों में शेयर कर दीजिएगा। और जो साथी नए मेहमान है हमारे चैनल के ऊपर तो उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।